नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मछली पालन पे। मछली पालन यूँ तो भारत में कई समय से किया जा रहा है, पर इसकी मांग भारत में भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मछली खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है और ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती है। मछली पालन की और भी कई सारी विशेषताएँ हैं, जैसे कि मछली पालन इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि मछली के तेल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और मछली का तेल काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। खासकर जिन लोगों को आँखों की समस्या है, उनको मछली का सेवन अधिक करना चाहिए ताकि उनकी आंखों की रोशनी सही रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मछली पालन सही तरीके से कैसे करें और मछली पालन करके मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो हमारा ये कार्यक्रम अंत तक जरूर देखिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए इस कार्यक्रम में। यदि आप मछली पालन की योजना बना रहे हैं तो आपको मछली पालन तकनीक, कौशल और मछली पालन तालाबों की दिन प्रतिदिन निगरानी का विशेष ज्ञान होना चाहिए। मछली पालन के लिए उपयुक्त भूमि या खेत का चयन करें। मछली पालन व्यवसाय में एक उपयुक्त भूमि या खेत का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर मछली की खेती के तरीके झील, नदियों या धारा के पास उपयुक्त होते हैं, जहां प्राकृतिक जल संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। अपेक्षाकृत सीधे स्तर की भूमि का चयन करें और ढलान और बाढ़ वाले भूमि का चयन ना करें, क्योंकि इस प्रकार की भूमि आपके मछली पालन व्यवसाय को खराब कर सकता है। खेतों के पास की भूमि से बचें, क्योंकि आम तौर पर किसान फसल की उच्च उपज प्राप्त करने के लिए खेत पर विभिन्न कीटनाशकों और उर्वरकों को लागू करता है। इसलिए जब आप इस भूमि पर मछली का तालाब बनाते हैं तो पानी के साथ विभिन्न रसायनों का मिश्रण होता है और इस प्रकार का दूषित पानी मछली की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मछली पालन के लिए तालाब कहाँ पे बनाएं? मछली पालन के लिए तालाब आप ऐसी ज़मीन पे बना सकते हैं जहाँ पे मिट्टी काफ़ी देर तक पानी को रोक सके, जहाँ पे आप अच्छे से अपनी मछली पालन कर सकते हैं। आप नदी या नहर के किनारे भी मछली पालन कर सकते हैं ताकि आपको पानी की आपूर्ति पूरे साल वहाँ पे मौजूद रहे। मछली पालन आप खेतों में करने से बचें ताकि खेतों के अगल बगल पैदा करे जाने वाली सब्जियों से पैदा होने वाले पेस्टिसाइड से आपकी मछलियाँ मर ना जाए। ये बात आपने ध्यान में ज़रूर रखिए और मछली पालन पर अच्छे से काम कीजिए। व्यावसायिक मछली पालन व्यवसाय में मछलियों को अच्छा चारा खिलाने की प्रमुख भूमिका होती है। आप हमेशा मछली को ताजे, पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन प्रदान कर सकते हैं जो मछली तालाब में उगाए जाते हैं। आप विशेष मछली प्रजातियों को विशिष्ट मछली भी खिला सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली मछली का भोजन मछली के उत्पादन को बढ़ाता है और मछली को स्वस्थ भी बनाता है। यदि संभव हो तो मछली के तालाब का पानी कभी कभी मछली के बेहतर विकास के लिए भी बदल दें। पानी और मिट्टी के पीएच की नियमित जांच करें। मछली के विकास के लिए 7 से 8 के बीच पानी का पीएच मान सबसे अच्छा है। मछली की खेती के लिए मछली की प्रजातियों या नस्लों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। मछली की प्रजातियों का चयन कई कारकों पर निर्भर करता है। मछली की प्रजातियों की बाजार में मांग या मूल्य, स्थानीय सुविधाएं, ये सब चीज़ें मछली के चयन पर निर्भर करती है। मूल रूप से यह एक मीठे पानी की प्रजाति है जो समशीतोष्ण परिस्थितियों में 6 से 28 डिग्री रहते हैं। इसके अतिरिक्त चांदी की कॉर्प खेती में उच्च ताप दर प्राप्त करने के लिए अच्छी पानी की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य मछलियों के साथ पॉलीकल्चर खेती संभव है। सैल्मन सबसे लोकप्रिय मछली प्रजातियों में से एक है जो सबसे अधिक खेती की जाती है। रोग के प्रकोप को रोकने के लिए खेती की गई सैल्मन का टीकाकरण किया जाता है और केवल दुर्लभ अवसरों पर ही उन्हें अतिरिक्त दवाओं की आवश्यकता होती है। सैल्मन फीड जंगली मछली के भंडार के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तिलपिया मछली पालन या जलीय कृषि में तीसरी सबसे लोकप्रिय मछली है, जिसमें पहले सिल्वर कॉर्प और सैल्मन है। मूल रूप से तिलपिया अपने उच्च प्रोटीन, बड़े आकार और विकास क्षमताओं के कारण लोकप्रिय है। तिलपिया एक उष्णकटिबंधीय मछली है जिसे जीवित रहने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है। आदर्श पानी का तापमान आमतौर पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आमतौर पर तिलपिया मछली को अनाज आधारित आहार की आवश्यकता होती है और अन्य मछली नहीं खाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे आक्रामक मछली प्रजातियों में से एक भी माना जाता है। दरअसल कॉर्प पॉलीकल्चर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली 3 भारतीय प्रमुख कॉर्प प्रजातियों में रोहू सबसे महत्वपूर्ण है। रोहू एक अपरिपक्व प्रजाति है और 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर नहीं पनपती है। यह एक तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है और सामान्य संस्कृति की परिस्थितियों में एक वर्ष से लगभग 35 से 45 सेंटीमीटर कुल लंबाई और 700 से 800 ग्राम प्राप्त करता है।
कैटफिश की खेती गर्म जलवायु में करना आसान है। आप तालाबों और टैंकों दोनों में कैटफिश पालन कर सकते हैं। आमतौर पर कैटफिश अपने स्वास्थ्य लाभ और बाजार की मांग के कारण लोकप्रिय है। आप 18 महीने की उम्र में तालाबों और टैंकों में उठी कैटफिश की कटाई कर सकते हैं और यह व्यवसाय में एक त्वरित वापसी सुनिश्चित करता है। कैटफिश प्रजाति की मछली जिसका नाम मांगूर है वो भारत में बैन है। वो भारत में इसलिए बैन है क्योंकि वो अधिक मात्रा में अपने आप को बढ़ाती है और जिससे कि हमारी राष्ट्रीय प्रजातियों को खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने मांगूर मछली को बैन कर रखा है। अगर आपको कोई बोले कि आप अपने तालाब में मांगूर मछली पैदा कीजिए तो हम आपको बताना चाहेंगे कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहे और मांगूर मछली को अपने तालाब में ना पालें। मछली पालन व्यवसाय भारत में बहुत लाभदायक और सफल व्यावसायिक व्यवसाय है। भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि खाद्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मूल रूप से यह भोजन की टोकरी को पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। खाद्य मछली संस्कृति के साथ सजावटी मछली संस्कृति और उच्च मूल्य वाली मछली की खेती हाल के दिनों में महत्व प्राप्त कर रही है। भारत में कुछ प्रमुख मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। जलीय कृषि व्यवसाय में छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर मछली की खेती दोनों लाभदायक है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय में अच्छी निर्यात क्षमता है। आमतौर पर छोटे पैमाने पर खेतों में खुदरा बिक्री के लिए ताज़ा मछलियां बेची जाती हैं, जबकि बड़े पैमाने पर खेत आगे की तैयारी और निर्यात के लिए बूचर खानों को बेचते हैं। मछली में कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी कम होती है, इसलिए ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक और प्रोटीन युक्त स्वादिष्ट भोजन है। 60% भारतीय भोजन मेन्यू में मछली खाना शामिल है। दिन ब दिन मछली या मछली उत्पादों के व्यावसायिक मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि इतनी बढ़ रही है कि धीरे धीरे मछली की कीमत और मांग भी बढ़ रही है, ताकि आप मछली पालन व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। रोग और एंटीबायोटिक के उपयोग, क्योंकि खेती की गई मछलियों को अप्राकृतिक आहारों पर पाला जाता है और छोटे बाड़ों में उन्हें अक्सर बीमारी होती है जो जंगली आबादी को दे सकती है। ये तेजी से एक बड़ी समस्या बनती जा रही है क्योंकि इन बीमारियों के लिए अक्सर समाधान का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं जो जंगली आबादी में फैल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा और जाना कि मछली पालन आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और हमें लिख भेजिए कि हम अगला कार्यक्रम किस चीज़ पे बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।